अगर आपके पास दोस्त टूल नहीं है तो फिर वही बात है कि गाल बजाने वाली बात है, काम कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए काम करने के लिए आपके पास औजार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना औजारों के नहीं हो सकता। बिना औजार के तो सिर्फ आप देख सकते हो, कर नहीं सकते। करने के लिए हमारे पास टूल्स का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर आप चाहें तो जो ऐसे दुकानदार भाई हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो कुछ टूल्स उनके पास नहीं है, तो टूल्स अपने कहीं भी लोकल बाजार में जाइए, वहां से टूल खरीद लाइए। मैं टूल का तुमको रेट भी लिख दूंगा, पैसा भी लिख दूंगा, कितने कितने का टूल आता है वो भी तुमको थोड़ा बहुत बता दूंगा। जिससे क्या होगा, आपको ये दिमाग में सोचने वाला बात नहीं है कि अरे कोई 15-20 हजार रुपए का सामान हमको खरीद के लाना है और बड़ा महंगा लंबा चौड़ा सामान खरीद के लाना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको इससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अब क्या हेल्प मिलने वाला है वो समझिए। सबसे पहली बात टूल्स के बारे में आपको बताता हूं। टूल्स में जहां पर आपकी रिपेयरिंग शब्द की बात करते हैं, तो रिपेयरिंग का मतलब क्या है, आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हो तो पढ़ाई लिखाई में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, कॉपी किताब पेन। क्या आता है, कॉपी किताब पेन। ऐसा तो नहीं खाना टिफिन बस्ता झोला कुर्सी मेज सोफा, ये सब पहले नहीं समझ में आता, पहले ये समझ में आता है कॉपी किताब पेन। उसी तरीके से अगर आप मोबाइल फोन के रिपेयरिंग की दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, रिपेयरिंग के लाइन में काम करना चाहते हैं, तो इसमें भी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे तो ही आप मुझे लगता है कि सारे काम कर पाएंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। क्या क्या तीन चीजें हैं, मैं आपको पहले उन्हीं चीजों का जिक्र कर देता हूं। सबसे पहली बात, जहां पर लिखने पढ़ने वाली बात आती है तो आदमी सबसे पहले पेन मांगता है। क्या मांगता है, पेन। उसी तरीके से जहां पर रिपेयरिंग शब्द की बात आती है तो रिपेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज में टांका लगाना, इसी काम को हम लोग दोस्त चिप लेवल रिपेयरिंग बोलते हैं। तो चिप लेवल का मतलब होता है सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना। क्या करना, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना। तो सोल्डिंग डिसोल्डिंग के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बनी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डिंग आयरन। अब ये तो मैंने चलो ठीक है बोल दिया, मैं एक बार सारे टूल्स आपको समझा देता हूं। फिर मेरे पास सारे टूल्स रखे भी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, वॉच भी करा देता हूं कि आप किस तरीके से कौन कौन सा सामान कौन से उनकी कंपनी का लाएंगे जिससे आप बेहतर तरीके से और अच्छा काम कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आपको सोल्डिंग आयरन लेकर के आना है। क्या लेकर के आना दोस्त, सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डिंग आयरन आपका 25 वाट का होना चाहिए। इसमें से जो सोल्डिंग आयरन आता है और अच्छा अच्छा भी आता है, बहुत महंगा महंगा भी आता है, 2-2, 2.5-2.5 हजार 3-3 हजार का भी आता है, वो भी मेरे पास रखा है, वो भी मैं तुमको दिखा दूंगा। लेकिन आप काम करने के लिए, काम करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, आदमी जब रेस लगाने जाता है तो वही गोल्ड स्टार जूते दौड़ता है, एकदम से तुरंत नहीं हाई फाई में उतर जाता। उसी तरीके से क्या होता है, जब आदमी काम करता है तो काम करने के लिए अपना एक बड़ा बेसिक जीरो लेवल से स्टार्टिंग करता है, और फिर उसके बाद जैसे उसको समझ में आता रहता है तो उसका आगे का रास्ता खुलता रहता है। और आप तो समझते हो सीखना सजिए कोहरे की तरह है, जितना ज्यादा आप सीखते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। कोहरे में नहीं होता, जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आगे का रास्ता नजर आता रहता है। उसी तरीके से जितना आप सीखते रहेंगे उतना आप अंदर घुसते रहेंगे, अंदर घुसते रहेंगे, और अंदर घुसते घुसते आप बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज अर्जित कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोल्डिंग आयरन के बारे में। तो ये सोल्डिंग आयरन हमारे दोस्त 25 वॉट की हमारे पास सोल्डिंग आयरन होनी चाहिए बेसिकली काम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे पास पेस्ट होना चाहिए, सोल्डर वायर होना चाहिए, जम्पर वायर होना चाहिए, रेती होनी चाहिए। ये सारा सब कुछ आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है अच्छे से, ताकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं। रेती होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पीसीबी स्टैंड होना चाहिए, आयरन स्टैंड होना चाहिए, और हॉटगन मशीन। हॉटगन मशीन जो गर्म हवा देने वाली मशीन होती है, वो हमारे पास एक ब्लोवर होना चाहिए।
चिमटी होना चाहिए, जिसको मोटी भाषा में हम लोग ट्वीजर बोलते हैं। तो ये हमारे पास इतना सारा सामान होना चाहिए, इतने सारे सामान से आप मोबाइल फोन के अंदर बेसिक काम करना शुरू कर देंगे। क्या काम करना शुरू कर देंगे? बेसिक काम करना शुरू कर देंगे। जो सोल्डिंग आयरन है जिससे आपको टाका लगा सकते हैं, मल्टीमीटर होना चाहिए जिससे किसी चीज को आप चेक कर सकते हैं, पेस्ट होना चाहिए जो आपका सोल्डर टांका लगाने में मदद करता है, हमारे पास सोल्डर वायर होने चाहिए, रांगा होना चाहिए जिससे हम किसी चीज को जोड़ने में, हमारे टांका लगाने में वो भी मदद करता है, जम्पर वायर होना चाहिए जिससे हम किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सप्लाई को इधर उधर पास कर सकते हैं, रेती होना चाहिए जिसी चीज को हम अगर हमारी आयरन में कार्बन आ जाता है तो उसको स्क्रैच करके घिस करके साफ कर सकते हैं, पीसीबी स्टैंड होना चाहिए जिसमें हम लोग आयरन को रख सकते हैं, पीसीबी को फंसा सकते हैं, सॉरी प्लेट को बोर्ड में से अटैच कर सकते हैं, आयरन स्टैंड होना चाहिए जिसमें हम लोग आयरन को अपना रख सकते हैं, उसके बाद हॉटगन मशीन होना चाहिए, हॉटगन मशीन जिससे गर्म हवा ब्लोअर जिससे हम किसी चीज को उखाड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, और उसके बाद आपके पास चिमटी होनी चाहिए, चिमटी से किसी चीज को आप पकड़ सकते हैं। इतना सारा सामान होगा तो आप मोबाइल फोन के अंदर टांका लगाना, सोल्डिंग करना, कनेक्टर डालना, इतना सारा काम आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा बेसिक रिपेयरिंग में काम आता है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ आइटम और बताना चाहता हूं। आप इनको कह सकते हैं काम्बो रिपेयरिंग में भी काम आएंगे। ये आइटम हमारे किस में आएंगे? काम्बो रिपेयरिंग में काम आएंगे। जो डिस्प्ले रिपेयरिंग के काम करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले रिपेयरिंग के लिए, तो डिस्प्ले रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली बात है हमारे पास कटिंग वायर होना चाहिए। कटिंग वायर के बाद फिर हमारे पास सेपरेटर होना चाहिए जिससे हमारा गर्म होता है और डिस्प्ले टच काम्बो को खोला जाता है, अलग अलग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ओपनर आते हैं जिससे डिस्प्ले को अलग किया जाता है, मतलब मदरबोर्ड से बाहर निकाला जाता है। जैसे काम्बो है ये बोर्ड में फिक्स है, चिपका हुआ है, तो इसको ढीला करके गर्म करके बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ग्लू रिमूवर होना चाहिए। उसके बाद ग्लू रिमूवर मोटर होनी चाहिए, ग्लू रिमूवर मोटर जिससे वो साफ करने में, छीलने में काम आता है। मैं एक एक चीज करके आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो ग्लू रिमूवर मोटर होनी चाहिए। उसके बाद क्लॉथ, एक कपड़े का पैकेट आता है जिससे क्या किया जाता है, डिस्प्ले को साफ किया जाता है, रफ किया जाता है। सेलकॉन होना चाहिए, सेलकॉन से भी डिस्प्ले को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये सारा सब चीज हमको साफ करने में काम आता है। उसके बाद एक हमारे पास पोलराइजर आयरन होनी चाहिए, इसके आयरन के बिना भी काम जल जाता है, लेकिन जब कोई टूल बना है तो होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट कर पाएंगे, कोई बड़ा लंबा चौड़ा महंगा भी आइटम नहीं है। तो ये पोलराइजर आयरन होना चाहिए। जब इतना सारा सामान होगा तब आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में काम करने के लिए आप स्टैंड हो पाएंगे, मतलब फिर तो पूरा ही काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना हमारे पास सामान होना चाहिए जिससे आप काम्बो रिपेयरिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। कटिंग वायर जिससे आप किसी चीज को कट कर सकते हैं, डिस्प्ले टच को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेटर मशीन होनी चाहिए, डिस्प्ले ओपनर होने चाहिए, ग्लू रिमूवर होना चाहिए, ग्लू रिमूवर मोटर होनी चाहिए, क्लॉथ होनी चाहिए, फेलकॉन होना चाहिए, पोलराइजर आयरन होना चाहिए। ये जितनी सारी चीजें होती हैं जिससे हमको मोबाइल फोन में से काम्बो रिपेयरिंग करने में मदद आती है। उसके बाद हमारे पास एक रोलर होना चाहिए, अगर रोलर ना हो तब भी काम चलता है, लेकिन है तो बेहतर चीज है, रोलर होना चाहिए जिससे हमारे ओसीए चिपकाने के लिए, पोलराइज चिपकाने के लिए काम आता है। तो इतनी सारी चीजें आपको काम्बो रिपेयरिंग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर यही काम अगर आप आईसी लेवल में जाना चाहते हैं, आईसी लेवल पे करते हैं, तो आईसी लेवल में करने के लिए सबसे पहली बात आपके पास स्टेंसिल होनी चाहिए जिससे आईसीयू की रिबोलिंग करी जाती है। उसके बाद आपके पास पीपीडी होना चाहिए। उसके बाद ब्रश होना चाहिए अच्छा सा। डॉक्टर टेप होना चाहिए। स्टेंसिल हो गया, पीपीडी हो गया, ब्रश हो गया, डॉक्टर टेप हो गया, और एक हमारे पास पीसीबी स्टैंड होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो जिससे हम लोग
बोर्ड में से आईसी को फंसा सकते हैं, आईसी को पकड़ सकते हैं और आईसी को क्लीन करने में हमारे काम आती है, पेस्टेड आईसी काम करते हैं। सीपीयू कटिंग ब्लेड, सीपीयू ओपन करने के लिए या मोबाइल फोन किसी भी आईसी को ओपन करने के लिए हमारे पास कटिंग ब्लेड्स होने चाहिए। कटिंग ब्लेड्स के माध्यम से हम लोग आईसी को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, इन सब चीजों काम में हम लोग उसको यूज करते हैं। और एक हमारे पास पेस्ट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पेस्ट होना चाहिए जिससे हम आईसी को साफ कर सकें, आईसी को बैठा करके मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में लगा सकें। और आपके पास होना चाहिए रोजन। तो इस तरीके से आपके पास, मैंने आपको इतना सारा मैंने आपको टूल्स बताया, ये सारा आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए इतना सारा टूल्स होना चाहिए। अगर आप बेसिक रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। काम्बो पे काम करना चाहे तो इतना और ले सकते हैं, आईसीयू पे काम करना चाहे तो इतना और ले सकते हैं। अगर आईसीयू को और अच्छा, बेहतर और अच्छा तरीके से करने के लिए आप इसमें से माइक्रो स्क्रू भी परचेज कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई मशीन, जो हमारे मोबाइल फोन को सप्लाई देने के, बूस्टिंग के, बैटरी चार्ज करने में, चेकिंग के, मदरबोर्ड रिपेयरिंग के सारा काम कर सकती है। यहाँ पर दोस्त जैसे मैंने कि आपको एक और चीज नहीं लिखी है, जो अगर आप जाएंगे तो आप एक बबल रिमूवर, जो हमारे डिस्प्ले टच को आपस में क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो इतने हमारे पास जनरली सामान हमारे पास होना चाहिए। अगर इतने सारे टूल्स होते हैं तो हम लोग रिपेयरिंग में एक परफेक्ट काम कर सकते हैं, पूरा फुल काम, फुल वर्किंग। मोबाइल फोन रिपेयरिंग में जितना सारा काम होता है वो सारा काम कर सकते हैं, A to Z। अब अच्छा बात करते हैं कि इनका मैं आपको थोड़ा सा पैसा भी बता देता हूँ, और इनका जनरली ये बता देता हूँ कि आप इनका क्या क्या, कितना कितना पैसा आता है, जिससे आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। अगर ये सोल्डिंग आयरन 25 वॉट की लेने जाते हैं तो ये समथिंग आपको दोस्त 120 रुपए की मिलती है। मल्टीमीटर अगर हल्का सीखने के लिए लेने जाते हैं तो ये आपको 150 रुपए का ही मिल जाता है। पेस्ट अगर लेने जाते हैं तो पेस्ट आपका 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का जनरली पेस्ट मिल जाता है। सोल्डर वायर अगर भारती का लेने जाते हैं तो 80 रुपए का मिल जाता है। जम्पर वायर 10 रुपए का मिल जाता है। रेती आपकी 30 रुपए की मिल जाती है। पीसीबी स्टैंड आपको 80 रुपए का मिल जाता है। आयरन स्टैंड की अगर आप बात करेंगे तो ये भी आपको 80 रुपए का मिल जाता है। हॉर्डगन की बात करेंगे तो अगर बेहतर अच्छी हॉर्डगन लेना चाहते हैं तो कम से कम दोस्त आपको 3,000 रुपए की हॉर्डगन लेनी पड़ेगी, और बेहतर क्वालिटी की लेना चाहते हो और अच्छी ले सकते हैं। चिमटी अगर बात करेंगे तो चिमटी आपको 60-70 रुपए की चिमटी आपको मिल जाती है। तो इतना जनरल सा सामान आप लोग लेकर के आप अपना रिपेयरिंग करने के लिए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जितना सारा सामान है वो सारे सामान को आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलग अलग रेट होता है, अलग अलग इसका वैरायटी के हिसाब से रेट होता है। ये तो मैंने जनरल आपको बता दिया, लेकिन इसमें से फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल आ जाता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि हर एक चीज के अलग अलग रेट होते हैं, वो सामान के हिसाब से, टूल के हिसाब से, इसके हिसाब से उसके पैसे काउंट करे जाते हैं। तो ये दोस्त इतना सारा हमारे पास टूल्स होना चाहिए। और जो हम लोग जिस लाइन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जहां से हम आपको स्टार्टिंग करने वाले हैं, जहां से हम आपको सिखाने वाले हैं, तो दोस्त इतना सामान तो आपके पास होना चाहिए जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर इस सामान को कैलकुलेट करते हैं, इस सामान को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 120 हो गया, ये हो गया कि जोड़ेंगे 270, 80, 816, 260 रुपया हो गया, या 360 हो गया, 350, 400, 500, 600 समथिंग, 36, 3, 36, 3600, मतलब 3500-3600 रुपए का 3,500-3,000 रुपए में टोटल सामान आ जाएगा। जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं 3600 रुपए की, अगर बात करते हैं 3600 में 3,000, तो तुम्हारा हार्ड का नहीं घुसा है, 600 रुपए का जनरली टूल है। अभी इसमें एक चीज और मैंने लिखी, नहीं लिखी, सॉरी, आप लोग ले लीजिएगा स्क्रू ड्राइवर। मोबाइल फोन खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर आते हैं वो, तो ये सारे चीज, वो भी कोई महंगा नहीं आता, 100 रुपए का स्क्रू ड्राइवर खोलने वाला कोई मिल जाता है जनरली, तो आप इसको ले सकते हैं। तो 3,500-3,000 रुपए में जो सामान आ जाएगा, इस टूल से आप काम करना शुरू कर देंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे के वीडियो में मैं आपको दूंगा कि इन सब चीजों को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इनको चलाने का तरीका क्या होता है, आयरन को कैसे चलाया जाता है, सोल्डर पेस्ट कैसे काम करता है, रांगा कैसे काम करता है, कैसे कोई भी चीज जुड़ती है, कैसे कोई भी चीज मेल्ट होती है, उन सब चीजों के बारे में मैं एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा।
अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जितने भी सारे मैंने टूल्स आपको बताए हैं, अब मैं सारे टूल्स को एक एक करके मैं सारे टूल्स को आपको वॉच कराता हूँ, सारे टूल को दिखाता हूँ कि उन टूल के माध्यम से आप कैसे काम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे टूल्स हमारे पास रखे हुए हैं। ये सारे टूल को मैं एक साथ मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं एक एक करके मैं वॉच कराता हूँ। जैसे ये हमारा सोल्डिंग आयरन आता है, जिससे हम किसी चीज को, 25 वाट का आयरन है जिससे किसी चीज को जोड़ने में काम आता है। उसके बाद ये हमारे पास मल्टीमीटर होता है जो बेसिक जनरल टेस्टिंग में हमारा काम आता है। उसके बाद ये हमारा पेस्ट आता है जिससे किसी चीज को टांका लगाने में मदद करता है। ये हमारे 10-15 रुपए का जम्पर वायर आता है। ये हमारी रेती आती है और ये हमारा चिमटी होता है, पकड़ने काम करता है। ये हमारा ग्लू रिमूवर मोटर होती है। उसके बाद इस तरीके से ये ओपनर आते हैं जो मोबाइल फोन खोलने में काम आते हैं। ये आपका सोल्डर वायर आता है जो टांका लगाने में काम करता है। ये आपका पीसीबी स्टैंड होता है जो मदरबोर्ड को पकड़ने का, मदरबोर्ड को फंसाने का काम करता है। और ये आपका कपड़े का पैकेट आता है जो साफ करने में काम आता है। इस तरीके से दोस्त ये आपके पीसीबी स्टैंड आते हैं। क्या आते हैं? पीसीबी स्टैंड आईसी में काम करने के लिए अच्छी क्वालिटी के आते हैं। आईसी में काम करने के लिए पीसीबी स्टैंड और भी बेहतर क्वालिटी के आते हैं जो आईसी को पकड़ने का काम करते हैं, आईसी को साफ क्लीनिंग करने में काम आते हैं। उसके बाद ये आपकी बूट केबल आती है जो डीसी पावर सप्लाई मशीन में काम करती है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये हमारी इस तरीके से स्टेंसिल आती है। इस स्टेंसिल से आईसीओ को रिबॉल किया जाता है, आईसीओ में बॉल बनाई जाती है। और अब सर एक एक करके थोड़ा सा कैमरा पास में लेके आइए ताकि मैं और भी जितने सारी मशीनें हैं वो मशीनें भी मैं आपको वॉच करा देता हूँ, वो मशीनें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी सारे और भी जो टूल्स आते हैं, जैसे ये हमारी हॉट गन मशीन आती है जो मोबाइल फोन के अंदर गर्म हवा देने का काम करती है, इसके अंदर हीटिंग निकलती है। उसके बाद ये आपके डीसी पावर सप्लाई मशीन आती है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग में सप्लाई देने का काम करती है। उसके बाद ये हमारी सोल्डिंग आयरन आती है अच्छी क्वालिटी की जो आईसीओ में काम करती है, आईसीओ को साफ करने में काम आती है, इसको SST210 नाम से आता है। दूसरी बात, हमारे पास ये माइक्रोस्कोप आता है। इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग जो भी मोबाइल फोन के पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स को देख सकते हैं, बड़ा अच्छा करके देख सकते हैं। और इसमें एक कैमरा लगा है, कैमरे के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले में भी देख लेते हैं। ये हमारा डीएसओ आता है। इस डीएसओ के माध्यम से हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन का सिग्नल, पल्स, इन सब चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं और एडवांस लेवल की रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास इतने सारे टूल्स आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक सेपरेटर आता है जिस सेपरेटर के माध्यम से हम लोग कटिंग करते हैं, डिस्प्ले टच को अलग अलग किया जाता है। ये सीपीयू में कटिंग करने के लिए सीपीयू के अलग अलग ब्लेड्स आते हैं जिससे हम सीपीयू को, आईसी को हम लोग उतार देते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। ये हमारे इस तरीके से ब्लेड्स आते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है पोलराइज आयरन आता है जो डिस्प्ले को उतारने में काम आता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये हमारा रोलर आता है जिससे लेमिनेशन करने में काम आता है। इस तरीके से जितने भी सारे टूल्स होते हैं ये सारे टूल्स आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कैमरा का भी विजिबिलिटी करा देता हूँ। कैमरा का विजिबिलिटी कराता हूँ। कैमरा मतलब कैसा दिखाई देता है, कैमरे के माध्यम से हम लोग मदरबोर्ड रिपेयरिंग में क्या काम आते हैं। और देखिए, जो लोग ऐसे आई साइड वीक है, अपनी काम को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये कैमरा लगा होता है। इस कैमरे के माध्यम से आप मोबाइल फोन के अंदर जो पार्ट्स लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, उसको कितना भी आप जूम करके देख सकते हैं, कितना भी बड़ा बड़ा कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग में आसानी रहती है। आप समझ लीजिए, इतना बड़ा प्लेट नहीं होता, इतना बड़ा कैपेसिटर है, इतना बड़ा बड़ा कैपेसिटर है जो मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर है ना, उंगली रख दो एक उंगली के अंदर आधे सेक्शन घुस जाता है, लेकिन इतना बड़ा रजिस्टर है, कितना बड़ा बड़ा चीज दिखाई दे रहा है। आईसीओ के जो अंदर नंबर होते हैं वो आप नंबर को पढ़ सकते हो। ये रिपेयरिंग करने में हमारे बहुत सरल रहता है। तो इस क्या होता है, आप चाहें तो इतना हाई डेफिनेशन का कैमरा को भी ले सकते हैं और इस तरीके से पूरा कंप्लीट सेटअप को आप बना सकते हैं। जब आप इस तरीके से पूरे कंप्लीट सेटअप में काम करते हैं तो ही आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अब ये दोस्तों जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग पूरा बेसिक प्रैक्टिकल चेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अच्छा, ये सारा चीज जो मैंने लिखा है, अगर आप दोस्त चाहें तो ये जितने सारे टूल हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टूल के बारे में आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर जो मैं आपको वीडियो में लेकर गया हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो सीरीज में आपको दिखाने वाला हूँ और आपको एक एक करके आगे समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे आगे वीडियो के ऊपर और नए टॉपिक के ऊपर, सीखेंगे कि इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टूल्स को यूज कैसे करना है।
क्योंकि जब तक टूल्स का यूज करना नहीं आएगा तब तक हम लोग रिपेयरिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं टूल्स को यूज करना भी बताऊंगा। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको देखो एक मैं आपका मैसेज समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से बच्चे काम करते हैं, काम करने के बाद हमको उनको सीखने को मिलता है तो कैसे मैसेज करते हैं। सर मेरा फोन दीजिए जरा, थोड़ा सा प्रयादा करना चाहता हूँ बिल्कुल दिल से। वो हमारी वीडियो को देखते हैं और वीडियो के माध्यम से इस तरीके से वो वीडियो हमारी वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद एक हमको मैसेज भी करते हैं। देखिए सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारी वीडियो कैसे लोगों के इफेक्टिव हो रही है, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग तो सुनिएगा। और आपका आशीर्वाद रहा, जैसा आप हर लोग को बनाते हैं उससे बेहतर मैं बनकर दिखाऊंगा आपको, आपका नाम और मेरा भी जो आपको कृपा होगा वहां तक मैं पहुंचूंगा। बस सर आपका बस सहारे का जरूरत है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग को सुन पा रहे होंगे, तो इस तरीके से ये मैंने आपको व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग सुनाई। इसी तरीके से मेरे पास सर बहुत सारे स्टूडेंट लोग फोन करते हैं और ऐसा ऐसा मैसेज करते हैं, अंदर से दिल से भी बड़ा हार्डली होता है कि हमको भी लगता है कि अगर हम उस चीज को कर सकते हैं तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। और अगर हमारे से आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई सहारे की जरूरत है या किसी भी चीज से जरूरत है तो आप हमको दोस्त हमको मैसेज कर सकते हैं और इस तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी अगर इन सब चीजों के बारे में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूरे मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है। ये आपका अपना स्टूडेंट है और इस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है, और कानपुर सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान का काम मोबाइल फोन का ही होता है, सुबह शाम तक मोबाइल फोन रिपेयरिंग 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 मोबाइल फोन का ही काम होता है। दूर दूर से लोग मोबाइल फोन बनवाने के लिए आते हैं। और ये जो मार्केट पड़ती है कानपुर सेंट्रल जो स्टेशन है, स्टेशन से मात्र 500-600 मीटर दूरी पर है, तो आप आराम से आ सकते हैं, रह सकते हैं, सीख करके जा सकते हैं और पूरा प्रैक्टिकली तरीके से सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर का बहुत सारा मोबाइल फोन बनने आता है, तो जब बहुत सारा मोबाइल फोन बनने आएगा तो आपको सीखने में क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी, आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। दुनिया जान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 2-4 मोबाइल फोन खरीद के दे और प्रैक्टिकल करने को दे, कोई नहीं देता, सिर्फ कहना का हवाबाजी करते हैं। भाई अगर एक मोबाइल फोन एंड्रॉयड मोबाइल फोन देखेंगे तो यार 8-10 हजार रुपए का मोबाइल फोन आता है, कोई 30-40 हजार रुपए फीस लेकर के। मैं तो चलो बहुत कम की बात कर रहा हूँ, मेरा जितना फीस मिनिमम है उतना पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ 40-50-60 हजार रुपए फीस लेकर के अगर 4 मोबाइल फोन भी आप उनके डेड कर देते हो, खराब कर देते हो, तो जितना देना लेना नहीं उससे ज्यादा तो उनका चला जाएगा, तो कहाँ से कोई मोबाइल फोन देगा। और आज मेरे पास एक लोग और थे जिन्होंने फोन किया था कि सर मैंने 8 हजार रुपए मोबाइल फोन रिपेयरिंग का, 5 हजार रुपए मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखा दिया लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराया। मैं आपको ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, भाई इतना भी मिनिमम मत जाओ कि आपको कोई समझा दे सिखा दे लेकिन करके ना दिखा दे, क्योंकि आज की डेट में अगर दोस्त अगर एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन का 150-200-250 रुपए कॉस्ट रहता है, 300 रुपए का। अगर आप हमारा 10 मोबाइल फोन का मदरबोर्ड खराब कर देते हो तो मेरा 2-3 हजार 5 हजार रुपए का तो ऐसे ही नुकसान हो जाता। कौन तुमको 5-6 हजार रुपए में सिखा देगा? 5-6 हजार रुपए में 10 रुपए काम भी, 5 रुपया का पेन उसी में घिस करके खत्म कर देगा, बस काम खत्म। तो इस तरीके से सर हमारे पास जो है वो बड़ा मिनिमम है, क्योंकि सर मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, कोई मैं बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना कोई मैंने इतना लंबा चौड़ा कारोबार बना रखा, ना इतना लंबा चौड़ा मेरा तामझाम है। मेरा सर जी बड़ा इजीली है, आप आते हो डायरेक्टली हमसे सीखते हो, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर मालिक वाला सिस्टम है, कोई ओनर वाला सिस्टम है, आप आएंगे हमसे दिल से जुड़ेंगे और दिल से सीख करके जाएंगे। एक एक चीज का कोई भी बात के लिए हमसे सीधे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 6391-711-711, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप हमको ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। अगर हम हो सकता है दिन में किसी क्लास के दौरान अगर आपका कॉल नहीं उठा पाते तो आप दोस्त हमारे नीचे और अल्टरनेट नंबर दिया हुआ 6391-211-211, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। या फिर भी नहीं किसी कारण उठ उठ सकता तो आप सर ये काम करिए, आप हमको मैसेज कर दीजिए, इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 711-711 पर, हम आपको 100% सर आपको रिप्लाई देंगे। दो सीखने सिखाने वाली बात नहीं है। अगर आपको कभी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में क्षेत्र में भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आज सर पूरे ऑल ओवर इंडिया से सर हमें मैसेज करते हैं कि हमको सर जी ये मोबाइल फोन का लॉक खुलवाना है, इस मोबाइल फोन को ठीक होने में कितना पैसा लगेगा, ये कैसे काम किया जाएगा। अभी मेरे पास एक मथुरा से भी फोन आया था, उनके पास वीवो का मोबाइल फोन था,
वीवो को वही 30 मोबाइल फोन था, और उन्होंने मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड लगा दिया था गलती से। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से उनका मोबाइल फोन को लॉक खुलवाया, लॉक आज उनका टूटा और आज बढ़िया तरीके से अपना मोबाइल फोन को चला रहे हैं, क्योंकि उनको पासवर्ड भूल गए थे, लेकिन उनको जीमेल पता था, इसलिए जीमेल पे जाकर के अपने पासवर्ड को उन्होंने रिकवर कर लिया, फोन पूरा उनका चालू हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं, आप भी चाहें तो हमसे हेल्प ले सकते हैं। और हम लोग इस ट्रेनिंग के लाइन में स्पेशलिस्ट हैं, 18-19 साल से मैं सर इस लाइन में काम कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो आप हमसे आकर के सीख सकते हैं और एक एक करके सभी मोबाइल फोन के बारे में सारी नॉलेज को ले सकते हैं। तो प्रमोद जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को रोज देखते हैं, आप हमारी वीडियो में जी अगर वीडियो अगर आपको मिला हो तो आप जरूर मैसेज करिएगा, और भी ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो मिला है तो आप जरूर मैसेज करिए। अगर सर हम आपको इतना सारा आपको फ्री में सिखा रहे हैं, इतना सारा सब कुछ समझा रहे हैं, तो दोस्त आप हमारा भी मदद करिए। अभी हमारे चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, और 100K अगर करने पर आप हमारी चाहें तो आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। बस इस मदद करने में आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा नहीं लगना, बस सिर्फ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जानकार लोगों को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा सर हमारा सपोर्ट करिए। अगर हम आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में वो नॉलेज दूंगा जो दुनिया जहान में मैं आपको कहता हूं पैसा दे के भी नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बात मैं आपको कहता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सर।